हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत अवकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। इन प्रश्नों को तैयार करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और इन प्रश्नों को छोड़िएगा मत, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में जो भी मैं प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं, ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए बिना समय को लॉस किए हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है वो आपका वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, हालांकि आप सभी लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको इन क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमें वाई इक्वल टू दिया गया है कि कॉस इनवर्स और साइन एक्स, इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा हम ऐसे, आप लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर पढ़ा है उसमें देखिए, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर वाला जो फंक्शन उसको कॉस के पदों में बदलना पड़ेगा। तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस का एक्स, बताइए लिख सकते हैं ना, कॉस पाई बाई टू माइनस का एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, और आप सभी लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर में पढ़ा है कि जो कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखा, ये कॉस लिखा और थीटा के स्थान पर इतना लिखा हुआ है, तो जो थीटा के स्थान पर लिखा हुआ पहले उसको लिख लेंगे पाई बाई टू माइनस का एक्स। अब क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब भाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स वाला फार्मूला लगा लेंगे और एक्स का फिर एक्स के स्थान पर जो है उसका अगेन करने लगेंगे, सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी बाई डी एक्स, जब भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दिया हो तो कुछ उसकी प्रॉपर्टियों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो अचर पद है और अचर पद का अवकलन कितना होता है भाई, शून्य होता है। एक्स एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा वन, आगे माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स यानी अवकल गुणांक हो जाएगा कितना भाई, माइनस का एक। बताइए ये क्वेश्चन कैसा आप सभी लोगों को लगा, 2019 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा फलन साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, आपको क्या करना है भाई, अवकल गुणांक ज्ञात करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से सोचना है, देखिए यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स, अब अंदर जो फलन दिया गया है ये यहाँ पर x बराबर आपको ऐसा फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात मान के चलना है जिससे ये आपका सूत्र बन जाए। देखिए कैसे, आप सभी लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है। हमने कहा बाहर अगर sin इनवर्स है तो अंदर हमको sin बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आपका cos इनवर्स था तो पहले मैंने अंदर cos बनाया, वैसे यहाँ पर इसको sin बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे पहले y बराबर sin इनवर्स, इस फलन को y के बराबर मान लेंगे 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम पुनः मानेंगे x इक्वल टू tan थीटा, जैसे ही x इक्वल टू टेन थीटा मानेंगे तो चूंकि थीटा मानी हुई वैल्यू है तो थीटा का मान निकालेंगे तो टेन इधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। मानी हुई वैल्यू आपके आंसर में कभी नहीं आती है, आप सभी को पता है। तो यहां पर देखिए ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, आपने x को टेन थीटा माना तो ये आपका हो जाएगा टू टेन थीटा अपान में वन प्लस कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, ये भाई 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको आना चाहिए sin 2 थीटा के बराबर होता है, तो ये हो गया sin 2 थीटा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आपने सूत्र पढ़ा sin इनवर्स sin थीटा, थीटा के बराबर होता है। अब थीटा के स्थान पर यहाँ पर कितना भाई 2 थीटा है, तो 2 थीटा लिख देंगे। मैंने अभी बताया कि थीटा आपकी मानी हुई वैल्यू है और मानी हुई वैल्यू कभी भी आंसर में नहीं आती है। तो आपने देखिए यहाँ पर थीटा बराबर कितना निकाला था tan इनवर्स x, x के पदों में फलन था, x के पदों में आंसर आएगा, तो ये जाएगा 2, थीटा के स्थान पर आप देख सकते हो कितना भाई tan इनवर्स x। अब आप x के सापेक्ष अवकलन करना है, अब आपको क्या करना है भाई, x के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है x के सापेक्ष 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आपका ये हो गया भाई। बताइए कि दोनों प्रश्न आप सभी लोगों को अच्छे लगे कि नहीं लगे, बिल्कुल लगे होंगे क्योंकि मैंने आप सभी लोगों के लिए ये सिलेक्टेड प्रश्नों को ही लिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा या साथ ही में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, अपने समय को मत गंवाइए यदि आप अच्छे अंकों की क्या करते हैं, चाह रखते हैं। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डी बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना भाई, डी बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है जबकि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है,
जबकि आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका ए स्क्वायर, एक इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, मतलब आपको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है इस इक्वेशन का। यहाँ पर लिखो कि एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर, क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x स्क्वायर का अवकलन आपका हो जाएगा 2x, और उसके बाद x का अगेन करोगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, छोड़िए y स्क्वायर का करोगे तो 2y हो जाएगा, y का अगेन करोगे तो कितना हो जाएगा dy by dx हो जाएगा, a स्क्वायर अचर पद का अवकलन कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y dy by dx इक्वल टू 2x, उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, यहां से d बाई डी एक्स का आपको मान निकालना है तो d बाई डी एक्स को रोकेंगे 2y उधर जाएगा तो ये माइनस का 2x अपन कितना हो जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का x अपन y हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर d बाई डी एक्स का मान निकालना था जो कि निकल चुका है। ये प्रश्न उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, सारे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्टेड प्रश्नों को ही लिया हुआ है, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन अभी होमवर्क के लिए भी आपको देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं। एच डब्ल्यू के लिए आपका प्रश्न है कि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है e की पावर एक्स स्क्वायर का, क्या करना है, अवकलन करना है। चलिए इसका अवकलन आप सब लोग कीजिए, ठीक है, तुरंत कर डालोगे मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार की ओर। क्वेश्चन नंबर चार है ई की पावर कॉस दिया है, ई की पावर कॉस, उसके बाद एक्स स्क्वायर दिया है। आपको क्या करना, सबसे पहले उसको वाई के बराबर मान लेना, जो भी फलन दिया जाएगा उसको वाई बराबर मान लेना है। अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर का। देखिए भाई, आप सभी को पता है कि ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी चर घातांकी फलन है, और ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। तो जब आप इसका एक्स के सापेक्ष क्या करोगे भाई, अवकलन करोगे, एक्स के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे भाई, तो देखिए वाई का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स। और देखिए यहां पर ई की पावर ये एक्स के रूप का लिखा हुआ है, तो आप कॉस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा दिमाग में ये मान के चलिए कि ये एक्स है, तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। एक्स को आपने किसको माना है, कॉस एक्स स्क्वायर को, तो उसका अगेन कर डालिए, तब तक अवकलन करना जब तक कि एक्स का अवकलन वन ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर को आप कॉस एक्स मानकर चलिए, तो आप एक्स किसको मान रहे हो, एक्स स्क्वायर को मान रहे हो, तो कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है भाई, माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अगेन करना है, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को एक्स माना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, ये माइनस आगे आ गया, एक्स स्क्वायर का अपना कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर और इंटू में ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर। ये भैया आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर लोगे। अब एक आपके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न लेने जा रहे हैं हम, ये सारे प्रश्न अंसार पेपर से हैं, आपके गेस्ट पेपर से हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अलग से सर जी अंसार पेपर या अलग से सीरीज के क्वेश्चन आप हल कराइए, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक्स की पावर एक्स का क्या करना भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, क्या करना है, एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ये एग्जाम में कई बार आया है और इसका अवकलन आपको आना ही चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। जब चर की पावर चर होता है तो हम क्या लॉग लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले यहां पर मानेंगे जो फलन दिया गया है, फलन दिया गया है एक्स की पावर एक्स को वाई के बराबर मान लिया। अब चूंकि चर की पावर चर है तो क्या करेंगे भाई, लॉग लेंगे, यहां पर लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो यह आपका हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, यह आपका हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स। आपकी लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है एम की पावर एन, जब पावर होती है तो पावर आपकी आ जाती है आगे, यानी एन लॉग एम हो जाएगा, ठीक। चलिए उसी तरीके से यहां पर आपका हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी एक्स लॉग कितना हो जाएगा एक्स। अब आपको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन
करने पर, क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे log y का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन y, y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। ये x छूटा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड, सेकंड का अवकलन करेंगे log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है, प्लस सेकंड छोड़ेंगे यानी log x छोड़ेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहां से dy बाई dx इक्वल टू ये y इधर आ जाएगा बुढ़े में और ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस आपका log x हो जाएगा। y मानी भी वैल्यू है, y का मान रख दीजिए, तो d by dx equal to y आपने x की बराबर माना था और ये 1 plus log, ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए क्योंकि कुछ बड़े क्वेश्चनों में आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि x की पावर x का अवकलन कितना होता है, x की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 plus log x। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को आ रहा था पहले से ही, ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 2-3 नंबर में पूछता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर हमारा इस क्लास का होगा 6। इसको वाई के बराबर मान लेते हैं 1/2 एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको 1/x करके हल करने लगते हैं या इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। हमने कहा ऐसे क्वेश्चनों में आपको लॉग लेना है, क्या लेना भाई, लॉग लेना है, मैंने अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, लॉग ले लेंगे ये हो जाएगा 1/x माइनस ए और x माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, ये आपका हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग एन, एन के स्थान पर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है। अब ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, छोड़ दीजिए इसको, माइनस लगाइए यहाँ पर लॉग एम एन और पी जो भी है आपका तीनों गुड़े में है उसका फॉर्मूला लगाओगे तो सब ये योग के रूप में हो जाएंगे, लॉग एक्स माइनस ए प्लस लॉग एक्स माइनस बी प्लस लॉग एक्स माइनस सी, ठीक है, ये आपको कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना है तो log y का 1 अपॉन y हो जाएगा, y का अगेन करोगे dy dx हो जाएगा माइनस log x माइनस a का करोगे तो 1 अपॉन x माइनस a हो जाएगा, x माइनस a को आप t मानोगे, log t का अवकलन 1 अपॉन t होता है, x माइनस a का अगेन करोगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा अचर पद है। इसी प्रकार x माइनस b का करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस b, इसी प्रकार आप log x माइनस c का करोगे 1 अपॉन x माइनस c, क्लियर भी। अब ये y उधर जाएगा बुढ़े में और y मानी हुई वैल्यू है तो y का मान रख दीजिएगा, माइनस y किसके बराबर माना था आपने, इसके बराबर 1/2 एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, इसके बराबर ही तो माना था और ब्रेकेट में आप जो लिखा उसको लिख लीजिए, बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को क्लासों में देता रहूंगा और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में कराता रहूंगा बहुत ही मजबूत तरीके से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। यदि एस इक्वल टू आपको दिया गया है यूटी प्लस ये दिया गया हाफ एफ टी स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया है तो आपको सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट, यानी आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ध्यान से देखिएगा, डी टू एस, क्या सिद्ध करना है, डी टू एस अपान में डी टी स्क्वायर बराबर आपको लाना है एफ, यानी ये चीज आपको प्रूव करना है। डी टू एस अपान डी टी स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो समीकरण दी गई इसका 2 बार अवकलन करना है, तो समीकरण दी गई देखिए यहाँ पर बटे में टी है यानी टी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है, तो एस बराबर आपको दिया गया है यूटी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर दिया गया है। चलिए इसका क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डीएस अपान में डीटी, एक्स के सापेक्ष करते थे तो एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होता था, टी के सापेक्ष करते तो टी का टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यू है ना, और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 प्लस हाफ एफ आपका बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2t, तो यहां से आपको मिल गया डीएस अपान डीटी इक्वल टू यू प्लस का हाफ
और इनटू में 2FT, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मिल गया U प्लस का FT। पुनः X के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तभी तो हमें द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त होगा, अवकलन करने पर। ठीक है, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये आपका जाएगा डी टू एस अपान में कितना भाई डी टी स्क्वायर, और ये यू अचर पद, अचर पद का अवकलन शून्य, एफ आपका बाहर हो जाएगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो ये आपका केवल एफ आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज आपको क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी। आज की क्लास में आप लोगों को हमने अवकलन के जो है 7 महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को बताया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप सभी को समझ में आई होगी, ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी जो है इन प्रश्नों को नहीं छोड़िएगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।